हाय एवरीवन, सो दिस इज़ आवर सेकंड डे टुडे. कल हमारा पहला दिन था एंड वी लर्नड अबाउट द बेसिक्स ऑफ द कार. आज हम सीख रहे हैं क्लच, ब्रेक, एक्सेलेटर पेडल, रेस पेडल और गियर्स. बस ये चार चीज़ें, क्या शिफ्टिंग है, क्या कोऑर्डिनेशन है, तो बेसिक्स के बारे में बात करेंगे. अभी पल्लवी ऑपरेट करेंगे उन पैडल्स को जो एक्चुअल है, और यहाँ पे मैं कंट्रोल कुछ भी नहीं करूँगा. ठीक है, ये पैडल मैं नहीं यूज़ करने वाला हूँ. ये मैंने आपके लिए नहीं लगवाए हैं, ये मैंने खुद के लिए लगवाए हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मैं सिखा रहा हूँ और आपसे नहीं हो रहा तो मैं तुरंत मैं कर दूंगा. नहीं, वो जैसे बच्चे की उंगली पकड़ के माँ बाप ने लिखवा देते फिर बच्चे की आदत खराब हो जाती है. हाँ, वो नहीं करना है. ये मैंने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लगाए कि अगर किसी मोमेंट पर गाड़ी एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, नहीं कंट्रोल हो रही आपसे कि कुछ ठुकने वाली है, देन आई विल हिट द ब्रेक पैडल. तब तक मैं यूज नहीं करने वाला हूँ. ठीक है, यू विल डू इट ऑन योर ओन. तो अभी आपको गियर जो फॉर्मेशन था, मैंने क्लच पैडल और इन सब का बताया था, वो सब याद है? ठीक है. और रेस पैडल आप जो मर्जी उसे बोलना चाहिए. ठीक है, और गियर, चलो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना सिखा देता. कल नहीं सिखाया था ना गाड़ी स्टार्ट करना? नहीं, यू टोल्ड मी लाइक अबाउट द कीज. ओके, उसके बाद अच्छा तब तक डू वन थिंग. आप अभी गाड़ी में चाबी नहीं लगी है, राइट? अभी आप मुझे स्टीयरिंग घुमा के दिखाना. स्टीयरिंग एज इन लाइक दिस? यस. ओके, घूम रहा है. चाबी निकाल रखी है गाड़ी से? नहीं. निकालो, आपको एक चीज बताता हूँ. बाहर निकालो, एक तो वापस लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घुमा के. हाँ, अब आप मुझे स्टीयरिंग घुमाकर दिखाइए. ओके, लॉक. पता चला इस चीज का? स्टीयरिंग अगर चाबी नहीं लगी है या कीफो वाला भी है, अगर वो एकदम ऑफ है तो आपका स्टीयरिंग एक मोमेंट के बाद लॉक हो जाएगा. ठीक है, और इसको आप अनलॉक नहीं कर सकते जब तक आप चाबी नहीं लगाते हो. चाबी नहीं घूमेगी इतनी इजीली. इसका एक हैक मैं आपको बताता हूँ, मतलब जो तरीका होता है. चाबी लगाइए. अब आप चाबी घुमाते रहेंगे और स्टीयरिंग को थोड़ा बहुत हिलाएंगे, क्योंकि अभी ये एक्सट्रीम है. थोड़ा बहुत हिलाइए इसे, और हाँ, हो गया ना. काफी बार लोग सब हर गाड़ी में होता है जिसमें इमोबिलाइजर सिस्टम होता है कि किसी और गाड़ी की चाबी नहीं लगेगी. ठीक है, तो आप अगर नहीं चाबी घूमती तो थोड़ा सा स्टीयरिंग को हिलाएंगे और स्टीयरिंग अनलॉक हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, एक बार घुमाइए. जैसे मैंने बताया, यहाँ पे गाड़ी का स्टीरियो ऑन हो जाएगा. अगर आपने चार्जर लगा रखा है 12 वोल्ट का सॉकेट, ये ऑन हो जाएगा, और छोटी मोटी चीजें. ठीक है, एक बार और घुमा, अभी घुमा रखा है मेरे ख्याल से आपने. हाँ, इग्निशन मोड पे. इसमें आप गाड़ी की सारी चीजें काम करेंगे. चलो अब आप गाड़ी स्टार्ट करो. बस जैसे गाड़ी एक बार स्टार्ट हो जाए, चाबी छोड़ देना. चाबी घूम के वापस आती है सेकेंड पोजिशन पे. ठीक है, मिड में आके रुक जाती है. अब अगर मैं आपको ब्रेक का समझा रहा हूँ, स्टीयरिंग का, तो हमें गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी. जैसे मैंने बताया था कि अगर गाड़ी ऑफ है तो आपका स्टीयरिंग काम नहीं करेगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, मोटर ऑफ हो जाती है. चलो आप फुट प्लेसमेंट बता दो मुझे एक बार, कैसे कैसे पैर रखना है. लेफ्ट फुट मतलब लेफ्ट फुट यहां पे रहेगा. ठीक है, एंड द राइट गोज अप एंड डाउन. ठीक है, अब आप फर्स्ट गियर में, गियर फॉर्मेशन सारी याद है? ऑलमोस्ट. मतलब जो शिफ्टिंग है, चलो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, खाली अब आप शिफ्ट करके बताओ. मतलब विद क्लच ना? हाँ, विद क्लच. ठीक है, अब आप करके सारा बताओ. गुड. सेकंड? नहीं, फोर्थ में. फर्स्ट? हाँ, अब सही तरीका जो आपने उंगलियां लगा के इधर किया ना. हाँ, थर्ड? थर्ड इज दिस. करेक्ट. फोर्थ? फिफ्थ. ठीक है, अभी हम सीखेंगे सिर्फ सेकंड गियर तक. फिफ्थ है लेकिन अभी थोड़ा दूर की बात है. ठीक है, तो नहीं अभी आप फिफ्थ में तो गाड़ी उठाई नहीं, आपने क्लच छोड़ दिया. ठीक है, सबसे पहले तो गाड़ी स्टार्ट करिए क्लच दबाकर, अगर गियर में है. ये तो आप हैबिट ही बना लो कि आप हमेशा क्लच दबाकर गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, फर्स्ट में शिफ्ट करिए. फर्स्ट एक्सट्रीम लेफ्ट ऊपर की तरफ, पहले तो वापस न्यूट्रल थोड़ा पीछे. ठीक है, फर्स्ट में शिफ्ट करिए. हो गया. अब आपको क्या करना है? ठीक है, हैंड ब्रेक डाउन. आपका गाड़ी के अंदर बैठते हाथ हैंड ब्रेक पे चला जाना चाहिए, इसे नीचे करिए. ठीक है, अब आप हल्का हल्का क्लच रिलीज करेंगे. इस मोमेंट पे मैं आपको विदाउट एक्सेलरेटर सिखा रहा हूँ. जब आप खाली क्लच रिलीज करते हैं, गाड़ी के पास थोड़ा बहुत फोर्स रहता है चलाने के लिए, थोड़ा बहुत मान लो पीछे से धक्का लगता है. लेकिन फ्लैट रास्तों पे तो गाड़ी चल जाएगी सिर्फ क्लच के साथ, लेकिन अगर स्लोप है, गाड़ी में कार्गो है, लोग बैठे हैं, गाड़ी में वेट है, तो गाड़ी नहीं चढ़ेगी, उसे धक्का चाहिए. वो धक्का उसे देगा रेस पैडल. अभी तो गाड़ी खाली है, चलो चल जाएगी. हल्का हल्का क्लच रिलीज करेंगे, एडी आप नहीं उठाएंगे. ओके, चलिए हल्का हल्का रिलीज करिए. गुड गुड गुड, मेंटेन योर फुट हियर. ठीक है, ऐसे चलती है गाड़ी. चलो स्टार्ट करो. इट्स इन गियर, राइट? हाँ, अभी उसी गियर में. हाँ, क्लच दबा के स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इसे हाँ पहले अच्छे से शिफ्ट करिए. हाँ, अब ठीक है.
अगर कंफ्यूजन है एक बार इसे गियर में कि कौन से गियर में, एक बार गियर निकाल कर वापस लगा लीजिए. ठीक है. थर्ड में तो नहीं है ना? नहीं. चलो चलो चलो. एडी वहीं के वहीं, हल्का हल्का फुट, आपका फुट पे कंट्रोल होना चाहिए पंजे पे. ठीक है. हल्का हल्का रिलीज करेंगे, गाड़ी आगे मूव करेगी. हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का. चलिए मूव कर रही है ना. मेंटेन योर फुट यार. गुड गुड. स्टॉप द कार. व्हेनेवर यू हैव टू स्टॉप द कार, अभी बंद हो गई है. ठीक है. तो व्हेनेवर यू हैव टू स्टॉप द कार, आप क्लच दबाएंगे पहले. Okay. क्योंकि अगर गियर में आप बिल्कुल गाड़ी को रोक रहे हो, ठीक है, क्लच देन ब्रेक्स. यस. ब्रेक क्लच भी होता है, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे. वो जब आप एक मतलब एडवांस लेवल पे चले जाते हो या ज्यादा स्पीड पे चलाते हो तो होता है. अभी यू हिट द क्लच फर्स्ट, तब आप ब्रेक दबाएंगे. ठीक है. चलिए क्लच दबा कर स्टार्ट करिए. भाई देव, आपका फर्स्ट पिक काफी सही था. I don't know. नहीं नहीं, सच में सही था, वरना लोग बंद कर देते हैं काफी. चलिए. शुड आई स्टार्ट रिलीजिंग? यस. गुड गुड. धीरे, अब क्लच को पूरा रिलीज कर दो. अगर आपका क्लच पूरा रिलीज हो चुका है या आप एक्सेलेटर दबा रहे हो, उस मोमेंट पे कभी भी क्लच पे आप पैर दबा कर मत रहना अगर गाड़ी मूविंग है. ओके. ठीक है. क्लच को हमेशा पूरा दबाना है व्हेनेवर यू शिफ्ट द गियर्स. ओके. अगर हाफ क्लच में आप गियर शिफ्ट करोगे तो वहां पे क्लच और गियर दोनों खराब होते हैं. ओके. अभी आपने क्लच के ऊपर पैर रखा है, लेकिन क्या दबा रखा है? नहीं. ठीक है. इशारे के लिए रख सकते हो ताकि आपको दोबारा स्विच करना पड़ेगा. ठीक है. ओके. अभी सिर्फ आप स्टीयरिंग चलाएंगे. ठीक है. थोड़ा वो स्टीयरिंग का आपको जजमेंट आएगा, थोड़ा बहुत हाथ जो हैंड प्लेसमेंट है वो एक जैसे थोड़ा सीधा करिए स्टीयरिंग. थोड़ा गाड़ी उधर लो पहले. Your steering is very like 360 it moves. अरे अपनी है ऐसी है. ठीक है. अब स्ट्रेट करेंगे स्टीयरिंग आप मेरी तरफ वापस. अगर आपने राइट घुमाने के लिए स्टीयरिंग राइट घुमा दिया, लेफ्ट आना तो क्या करेंगे? यू विल स्ट्रेट ऑन द व्हील. ठीक है. अभी ये जब आपकी तरफ होता है तो दिस इज इन सेंटर. आपको मैं स्टीयरिंग का थोड़ा बहुत समझा दूंगा. अभी स्टॉप द कार. बंद है ना? आपने क्लच नहीं दबाई इसलिए गाड़ी बंद हुई है. ठीक है. अभी क्लच दबा के स्टार्ट करिए. ठीक है. अब मूव करिए. खाली क्लच पैडल. क्लच में आपको सिर्फ आज बताऊंगा, कल हम एक्सेलेटर के साथ प्रैक्टिस करेंगे. okay. क्योंकि अल्टीमेटली वही ही करना है. okay. चलिए. स्टॉप द कार विद क्लच एंड ब्रेक. यस सही था. अभी मैं आपको इसी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ. ठीक है. क्योंकि वो गाड़ी झटके से बंद होती है, वो exactly. मैंने नोटिस किया है ना. हाँ. चलिए फिर से रिलीज करिए क्लच. आराम से. ठीक है. हाँ इजी, कोई दिक्कत नहीं. गाड़ी झटके लेगी, अभी बंद होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए स्टार्ट करिए. हाँ बढ़िया. गुड सही है ना? आई रियली लाइक द क्योंकि मैंने कार्स में देखा, इट्स जैम. क्या चीज? ये स्टीयरिंग, लाइक इट्स मूविंग 360 डिग्री. 360 से ज्यादा ही घूमता कुछ ना कुछ. ठीक है. 360 में 180 जोड़ लें तो कितना हो गया? 440 कितना हो गया? नहीं 540 तो नहीं जाऊंगे. ऑलवेज चेक योर सराउंडिंग्स. जैसे एक आधी चीज क्या रहती है, जैसे मैंने उस फर्स्ट वीडियो में उस वाली में बताया, इसमें एक आधी में भूल गया. तो इट्स ऑल्सो गुड कि हाँ वो वाले वीडियोस भी देखते रहे कभी कभार. कुछ ना कुछ तो पता ही चलेगा. ठीक है. क्योंकि यार मैं देखो रटके नहीं आता, मुझे क्या बताना है. ठीक है. एक आधी चीजें इधर उधर हो जाती है. तो जब भी आप गाड़ी में बैठते हो चेक योर सराउंडिंग्स. गाड़ी के आसपास क्या है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कोई आके जानवर बैठ गया है गाड़ी के नीचे, कोई जानवर है. और गाड़ी में भी जब आप इनिशियली गाड़ी चलाते हो तो लेफ्ट में देख लिया, सामने राइट में पीछे एक बार नजर मार ली मिरर्स में, तो थोड़ा अंदाजा रहता है. ठीक है. स्टॉप द कार. चलाओ. मैं आपको बस इसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ. ठीक है. आराम से. ये मतलब you have to release very smoothly. Very smoothly. Very smooth. लेकिन ये जो स्मूथली वाला जो है कि हमें बहुत आराम से छोड़ना है, ये सिर्फ सेकंड गियर तक रहता है. सेकंड के बाद जैसे जैसे आपकी गाड़ी स्पीड बढ़ने लगती है तब आप मतलब पैर उठा सकते हो आराम से. okay. मतलब झटके से भी नहीं. लेकिन हाँ कि अब वो टेंशन नहीं है कि बहुत आराम से छोड़ना, ऐसा नहीं है. इंसान अगर बैठा हुआ तो वो एक झटके से भाग नहीं सकता ना. धीरे धीरे पहले खड़ा होगा, घुटनों को हाथ लगाएगा, फिर खड़ा होगा, फिर भागेगा. ऐसे ही धीरे धीरे गाड़ी पिक होती है. झटके से भी भागते हैं वो बाद की बात है. वो गाड़ी को झटके से भगाना वो बाद की बात है. भागती है वैसे. स्टॉप द कार. स्टॉप. चलो पिक करो स्मूथली वाला. अरे गुड.
इतना इजी है क्या? आई डोंट नो, आई एम डूइंग इट द वेरी फर्स्ट टाइम. नहीं काफी सही है. स्टॉप, चलिए ड्राइव आराम से. और जो आपका राइट फुट है कभी भी आप पीछे नहीं रखेंगे. या तो ये रेस पैडल पे है जब आप चला रहे हैं या फिर ये ब्रेक पे है. राइट फुट कभी भी खाली नहीं रहेगा. ठीक है, मेक इट अ हैबिट. अभी तो चलो आपको एक्सेलेरेटर का नहीं सिखा रहा हूँ, तो ब्रेक पे होना चाहिए. अचानक कुछ सामने आता है तो आप ब्रेक दबाने के लिए तैयार है. ओके स्टॉप, चलाइए. अच्छा ब्रेक पहले दब गया होगा, कोई नहीं स्टार्ट करो. क्लच को हमेशा पूरा दबाना है जब भी आप नहीं आराम से आराम से आराम से. मोमेंटम कंट्रोल करना इट्स वेरी हार्ड. स्टॉप द कार, स्टॉप. क्लच अभी पूरी नहीं दबा रखी आपने, दबाना. हाँ इसी वजह से गाड़ी बंद होती है. ओके. जब भी आपको दिमाग में ये आए ना कि क्लच पैडल दबाना है, आपका पैर मतलब एकदम फ्लोर को चला जाना चाहिए. ओके ठीक है, हम भी यही करते हैं, पैर एकदम नीचे चला जाना चाहिए. आप देखो, हाँ आप बिल्कुल सही है, इस तरफ के पैडल एग्जैक्टली साथ काम कर रहे हैं. ठीक है चलिए रिलीज करिए. हाँ चलो धीरे धीरे, मैं तो ध्यान ही रहा ये पैडल भी यूज करने है. चलाओ. ग्रेट, बट इट कम्स ऑल ऑफ सडन ना, तो वो पैर को आदत नहीं है ना. हमें किसी भी चीज राइट में रखे, थोड़ा पत्थर है. हाँ अभी जब आप सिर्फ गाड़ी के कहाँ तक देख रहे हो, मतलब डिस्टेंस कहाँ तक देख रहे हो आगे तक. हाँ अब जैसे रास्ता कई बार खराब होता है तो हम थोड़ा नजदीक देखते हैं फिर थोड़ा दूर. मेरे ख्याल से तो फिर तो रेस के साथ सिखा देना चाहिए आपको. नहीं यू आर क्विक लर्नर, तो सही है. हाँ, पापा ने बहुत वेट कराया मुझे 1.5 साल से सिखाने के लिए. नहीं सीख ले गाड़ी दिला दूंगा, सीख ले गाड़ी दिला दूंगा. सिखाया नहीं, लेकिन मैं होती नहीं हूँ ना घर पे सीख. ओके घर पे कौन सी गाड़ी है? घर पे तो बोलेरो. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ जाट फैमिली? मैडम बैठ बोलेरो में गाना तो नहीं है उसमें. बट बीइंग अ जाट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ना बोलेरो स्कॉर्पियो. काफी बार जैसे गाड़ियां लोग चढ़ाते हैं स्लोप पे, टायर स्पिन करता रहते हैं कि जगह पे खड़े खड़े, वो क्लच झटके से छोड़ देते हैं, अब तो छोड़ ही नहीं पाते बेचारे. द गेम इज ऑल अबाउट क्लच. एग्जैक्टली, सारा खेल ही क्लच का है. एटलीस्ट इन द इनिशियल फेज, बाद में तो पैर को क्या है ना आदत पड़ जाती है, ये पैर यहीं पड़ेगा. ठीक है, वो पैर अपने आप ले लेता है. जब हम गाड़ी में बैठते हैं हमें नहीं पता होता कि कौन सा पैर कहाँ जा रहा है, ऑटोमेटिकली पैर अपनी जगह ले लेते हैं. तो थोड़े बस आदत की बात है. एडी उठा रहे हैं आप या उठा तो नहीं रहे ना? नहीं नहीं ठीक है चलिए. आपने क्लच पूरी नहीं दबा रखी थी इसी वजह से जब आपने सेल्फ लिया ना तो गाड़ी आगे बढ़ी थोड़ी. हाँ क्लच तो हमेशा पूरी दबेगी व्हेनेवर यू शिफ्ट द गियर. It will come smoothly and afterwards. हाँ ये और ये तो मतलब बहुत tough, आजकल की गाड़ियों के क्लच बहुत स्मूथ आते हैं. ठीक है, ड्राइविंग स्कूल में देखोगे बलेनो है, स्विफ्ट है, ब्रेजा भी है, वो गाड़ियाँ बहुत स्मूथ है. ये सही है क्योंकि बेसिक से सीखना सही है. देखो इस गाड़ी में कैमरा भी नहीं है पीछे, सेंसर्स भी नहीं है, एकदम रॉ ड्राइविंग. मैंने तो ऐसी गाड़ी से सीखी है. मतलब माय फादर इज अ वेरी गुड ड्राइवर. ठीक है, आई रियली एडोर हिम फॉर हिज ड्राइविंग, पर मैं ही नहीं सीख पाई बस. बाकी उन्होंने फैमिली में सबको सिखाया है. आपको ही नहीं सिखाया? एक ये मैंने जब बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर इसीलिए नहीं होती क्योंकि दे डोंट गेट एनी चांस. घर वाले एक तो सिखाते नहीं, लड़कों को पहले सिखा देते हैं, सबकी फैमिली में होता है. तो एक यही रीजन है, फिर धीरे धीरे निकलते फिर सीखती है, फिर वो बात नहीं रहती है. स्टॉप द कार. बट इफ यू विल कम टू माय फैमिली ना, माय सिस्टर ड्राइव थार एंड ऑल, एंड आई एम द ओनली वन हु डजंट नो हाउ टू ड्राइव. उन्होंने भी आपको नहीं सिखाया? मतलब वो लोग सब बाहर ही हैं. ओके इट्स लाइक दैट. चलो दे वुड नेवर से नो, बट टाइम और हम लोग की कभी पोजीशन मैच ही नहीं करती. ड्राइविंग तो ऐसी चीज है, अगर टाइम मैनेज कर लिया तो मतलब ये लाइफ लॉन्ग स्किल है. या तो फ्री में सीख लो, पैसे दे के कहीं और सीख लो. मतलब ये काम आते 4-5 हज़ार में एक ऐसी चीज ले लेते हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती है. कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कि हर साल रिन्यू हो रही है, कोई ऐसी चीज नहीं मंथली पेमेंट करना, एक बार की पेमेंट है लाइफ लॉन्ग. रोड पे इतना मतलब ऑब्वियसली मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पीपल आर लाइक सो रेकलेस कि वो नहीं देखते मतलब क्या सामने है क्या साइड में.
उसको आती नहीं है, जिनको आती है मेरे जैसे वो हवाबाजी में रहते हैं, वो वैसे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, हमें तो आती है सामने वाला देखेगा, इस चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं और लगभग ओवर स्पीडिंग की और ये जो केयरलेस बिहेवियर है ना इसकी वजह से होता है। स्टॉप द कार, ठीक है, जब भी आप ऐसे गाड़ी रोकते हो ऑलवेज लुक इन टू द मिरर्स, एटलीस्ट अगर आप सीधी गाड़ी की ब्रेक लगा रहे हो, टर्न नहीं किया है, इस मिरर में जोर देखे, अभी आपको इसमें पूरा मिरर दिख रहा है, मतलब इट्स वेरी हाई फ्रॉम माय एल्टीट्यूड, नहीं आप अपने हिसाब से सेट करिए, आपको इस मिरर में जो पीछे वाला मिरर है, सॉरी जो ग्लास है वो एकदम सही दिखना चाहिए, ठीक है, ठीक है, आपका जो फुट है ब्रेक पैडल पे बहुत कम है, तो इस मोमेंट पे क्या रहता है, आपका पैर स्लिप कर सकता है, ब्रेक पैडल के नीचे चला जाएगा, तो एटलीस्ट आपका जो पैर है ना आगे का, मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा ब्रेक पैडल पे हमेशा रहना चाहिए, वरना जरूरत पड़ी पैर ही फिसल गया ब्रेक पैडल के नीचे चला गया तो दिक्कत होगी, चलाइए आगे देखे, नीचे नहीं, नीचे अगर देखेंगे तो सामने कौन देखेगा। अगर आप गाड़ी रोक लेते हैं, अब आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप ब्रेक पैडल हिट करके रखते हो गाड़ी को रोकने के लिए, जैसे 10 सेकंड के लिए गाड़ी रोक ली, 5-10 सेकंड के लिए ट्रैफिक लाइट है, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे 1-1.5 मिनट के लिए गाड़ी रोकनी है तो शिफ्ट इट इनटू न्यूट्रल करिए, नहीं नहीं वही हथेली लगा के, वैसे हाँ वैसे तो न्यूट्रल करना है हल्का सा, अब हैंड ब्रेक लगाइए, अब आप ब्रेक छोड़ सकते हैं, वो वाला छोड़ा हुआ है ना, ठीक है, तो हाँ आप रिलीज कर सकते हो, मतलब अगर गाड़ी में गियर है, गाड़ी गियर में लगी हुई है तब आप क्लच का यूज करें, अदरवाइज न्यूट्रल है तो ये न्यूट्रल की पहचान है, जो मैंने आपको कल भी बताया था ना, ठीक है, हाँ ये ऐसे साइडवेज मूव होगा और हमेशा जो ये सेंटर पॉइंट है इसमें आगे रेस्ट करता है, ठीक है, इधर करेंगे वापिस इधर ही आ जाएगा, ये एकदम न्यूट्रल है इस वाली लेन में, ठीक है। अभी स्टेयरिंग का देखो ऐसा है, स्टेयरिंग में एकदम सेंटर में करिए, इसका स्टेयरिंग में जैसे बता रहा था ना, ये एकदम सेंटर में, अभी पहचान क्या होती है, ये जो जैसे तीन स्पोक है हर स्टेयरिंग व्हील में, लगभग सब में तीन ही है, सेंटर वाला अगर आपकी तरफ है तो दिस इज इन सेंटर, अभी आपके व्हील्स एकदम सीधे हैं, ओके, लेकिन स्टेयरिंग के साथ क्या होता है, अभी घुमाइए इसको 360 थोड़ा और, अभी जो मैंने, हाँ नहीं यहाँ हो गया, ठीक है, अभी जो मैंने चीज बताई कि अगर ये आपकी तरफ है तो व्हील्स एकदम सीधे हैं, लेकिन अभी तो व्हील्स घूम गए, तो हाँ हाउ वुड यू नो, दो तीन चीजें, या तो आपने गाड़ी खड़ी कर दी, आप कहीं से चल के आ रहे हो, टायर पे एक बार निगाह मार लो कि गाड़ी मेरी कैसी खड़ी है, टायर घूमे हुए क्या, दूसरा तरीका है गर्दन बाहर निकाल के देख लो एक बार, ठीक है, कहाँ व्हील्स है, तीसरा मेरे हिसाब से जो मैं करके देखता हूँ, मैं थोड़ा सा गाड़ी को ना मूव करके देखता हूँ, ठीक है, अब आप फर्स्ट गियर लगाइए, हाँ क्लच पूरा दबाइए, नहीं हाँ ठीक है, चलिए हैंड ब्रेक डाउन, काफी लोग ये गलती कर देते हैं, हैंड ब्रेक लगाए लगाए चला देते हैं, फिर गाड़ी पे लोड भी आता है, चल तो जाती है, अब आप रिलीज करेंगे तो आप यू विल नोटिस समथिंग, उधर गई ना स्टॉप, तो इधर इसका मतलब था कि गाड़ी के व्हील्स उस तरफ घूमे हुए हैं, तो हम सीधा कर लेते हैं, अब इसको सीधा करिए, अभी क्या करना है, ये स्टीयरिंग होल्ड करने की सबसे सही पोजीशन, आप लेफ्ट हैंड यहाँ पे रखेंगे, राइट वहाँ पे रखेंगे, एटलीस्ट अभी 2-4 दिन के लिए मैं आपको यही बताऊंगा, जब थोड़ा आगे चले जाते हो, सिंगल हैंड ड्राइविंग, सिंगल हैंड का क्या फायदा रहता है, एक हाथ से आप स्टीयरिंग घुमाते रहते हो, इन द मेन टाइम आप दूसरे हाथ से गियर शिफ्ट करते रहते हो, तो आप पर टाइम वेस्ट नहीं होता, अभी आप क्या करते हो, गाड़ी रोकते हो, स्टीयरिंग व्हील छोड़ते हो, फिर गियर करते हो, फिर घुमाते हो, तो टाइम लग जाता है, अभी के लिए ठीक है, थोड़े बहुत टाइम मैं आपको बता दूंगा, अभी आप स्टीयरिंग को ऐसे होल्ड करेंगे, चलिए अब दोनों हाथों से एक बार घुमा के देखिए कितना दिक्कत आती है, तो ये तरीका वैसे ये वाला ठीक है, एक हाथ से दूसरा स्लाइड करके, हाँ वैसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके चलाना एक बार, मैं आपने अगर किसी को देखा हो तो कैसे, मतलब एक बार आप एक्सप्लेन करो, छोड़ना जैसे नहीं 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 आई कांट डू दैट, इससे अंदाजा नहीं होता है, फर्स्ट गियर में लगाइए गाड़ी वापस, फर्स्ट में ही है, रिलीज द क्लच, बहुत सही, गाड़ी में अगर आप रोक रहे हैं गाड़ी किसी भी वजह से रोके हैं, एटलीस्ट आपकी गाड़ी का एक ब्रेक लगा हुआ होना चाहिए, या तो आप हाँ या तो हैंड ब्रेक लगा दो, न्यूट्रल करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी को ज्यादा देर तक आप क्लच दबा के खड़ी ना रखें, गाड़ी में क्लच के जो स्प्रिंग होते हैं, मतलब अगर यूज ही नहीं कर रहे हैं तो क्यों दबा के रख रहे हैं क्लच, ठीक है, तो न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक ऑन कर दो, या फिर थोड़ी बहुत देर के लिए ट्रैफिक चल रहा है रुक रहा है तो पैडल ब्रेक यूज कर लो थोड़ी देर के लिए, बट अब क्या ना कि केसेस इतने ज्यादा है ना, तो स्टीरियोटाइप लोग टाइपकास्ट कर दिया उन्होंने एज ए बैड ड्राइवर्स, फोकस थोड़ा हिल जाता होगा मानती हूं, देखो एक चीज मैंने पढ़ी है ऑनलाइन, आई डोंट थिंक
मतलब मुझे नहीं पता कि वो सही या गलत, उसमें लिखा था कि आप सही बता पाएंगे कि गर्ल्स आर नॉट मल्टीटास्कर, गुड मल्टीटास्कर्स, ऐसा है? I am a CS and I am a law degree, तो मतलब I handle a team of 7, तो मतलब 7 जूनियर संभालना अपने आप में एक मल्टीटास्किंग होती है. अच्छा, if I can handle them, I can handle everything. चलो, that's great, good confidence. I think it's about confidence, I believe. If you want to learn something, if you have a liking about it, na, तो मुझे लगता है कि आप जल्दी कर लेते हो. मल्टीटास्किंग गाड़ी में सबसे, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लेवल पे होती है. मेरी खुद की फ्रेंड चलाती है, एंड इफ यू विल सी हर ना समडे, आई विल मेक यू मीट हर, तो यू कैन सी हर ड्राइविंग स्किल्स. हम लोग उसी के साथ जाते हैं, तो शी इज अ गुड ड्राइवर एंड आई रियली लाइक द वे शी ड्राइव्स, कीपिंग थोड़ा लेफ्ट पत्थर है, थोड़ा कीपिंग थिंग्स इन माइंड ना, तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियां गुड ड्राइवर हो सकती है. सिखाने वाला होना चाहिए. बाकी इट्स लाइक कि जब इतना ट्रैफिक होता है ना, देयर इज अ ह्यूज प्रेशर. मतलब लाइक वी गो टू उद्योग विहार, अगर उद्योग विहार में आप 6:30-7 बजे निकलते हो ना, इट्स लाइक अ मेस. मतलब ऐसा लगता है कि गाड़ी इतनी जगह भी नहीं मिलेगी, ऐसा ही रहता है ट्रैफिक में. और वहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस कोई भी हो, फिर मेल फीमेल कोई भी हो, अगर वो चला गया तो, और फिर गाड़ी चाहे आपसे बंद नहीं होती, अभी आपसे नहीं हो रही है, अगर मैं किसी को ऐसा मान लूं ट्रैफिक में, वो गाड़ी कम से कम नहीं 3 बार बंद करता है, फिर वो डर के मारे. प्रेशर कब आता है? जब पीछे से लोग हॉर्न पे होते, तब आप हॉर्न मारते ना, अरे चला, तो वहाँ बहुत ही प्रेशर आता है, क्योंकि वो पूरा कॉर्पोरेट एरिया है, तो इट्स लाइक पीपल हैव टू रश, सबको जल्दी होती है, जल्दी पहुंचना है. इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बच्चा घर में गाना गाएगा, पेरेंट्स के सामने डांस करेगा, लेकिन जब गेस्ट आते ना, बेटा नाच के दिखाओ, गा के दिखाओ, फिर वो नहीं बोलता, क्योंकि वो अंडर प्रेशर होता, घबरा जाता है, तो वो बता ही नहीं पाता कुछ. यही रहता है जब ट्रैफिक में, जब आप एक्चुअली लेके निकलते और हॉर्न बजते हैं, तो गाड़ी बंद पड़ने लगती है, आपसे क्लच ही नहीं छूटते ढंग से. आई बिलीव कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना, उसके बाद इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. एग्जैक्टली, सारा खेल ही वही है, बेसिक्स का प्रैक्टिस से वो चीजें मतलब पॉलिश हो जाती है, फिर उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आता है. एक चीज में तो गुड है, तो चलो, मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियां मल्टीटास्कर अच्छी नहीं है. अरे क्यों नहीं, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि नहीं होती है, मैं मतलब पूछ रहा हूं. I'm not a feminist, but कुछ चीजों में मतलब बहुत underrated किया जाता है, तो चलो ठीक है. आई बिलीव इन इक्वालिटी, इससे पहले कि लोग, एटलीस्ट आप ये नोशन दूर कर दे, आप अपने साइड से कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर बिकमिंग अ गुड ड्राइवर, कि हाँ चलो लड़कियां ऐसे, मैं तो एटलीस्ट ऐसे नहीं हूँ. चलो वीडियो तो मैं कर ही देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं. सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, दिस वाज द सेकंड पार्ट, सीरीज बनी है. इनका अलग से प्लेलिस्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि ये मैनुअल गाड़ी पे सीख रही है फ्रॉम स्क्रैच. दूसरी जो प्लेलिस्ट चल रही है, जिसमें अविनाश जी को सिखा रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक गाड़ी, दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट चल रही है, तो दोनों बन रही है. वीडियोस वन बाय वन आ रहे हैं, कभी 2 वीडियोस इनके आगे, कभी 1 वीडियो उनका आगे, ऐसा चल रहा है. तो दोनों के प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा, दोनों अलग अलग जाकर देख सकते हो. वो थोड़ा सा इसे एडवांस लेवल पे इसलिए है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक गाड़ी है, और इसमें अगर आपको सीखना है गाड़ी एक्चुअली, तो ये एकदम बेसिक्स है. पैडल लगवा रखे हैं उन्हें, इन्हें अभी ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो अगर सीखना है तो ये प्लेलिस्ट अच्छी है. ऑटोमेटिक गाड़ी अगर लेने का प्लान कर लिया घर में, खुद के लिए, वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए, तो वो वाली प्लेलिस्ट जो है सही रहे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, Volkswagen Tiggo. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर लेना, स्टे ट्यून्ड, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. थैंक यू.